लेखाकार से आया हूँ। यहाँ पे करने के लिए हम लोग आए थे और 2016 की हम लोगों की वैकेंसी है और 2019 आ गया है, अभी तक हम लोगों का निवारण हो नहीं सका है। और इससे पहले हम लोगों ने कई धरने दिए, कार्मिक विभाग में हमारी फाइल फंसी हुई है, कार्मिक विभाग के अधिकारी आगे फाइल बढ़ा नहीं रहे। आज 2 साल हो गए, 2 साल में एक नियमावली नहीं बन पाई हम लोगों को। और हम लोग वित्त मंत्री माननीय राजेश अग्रवाल जी के पास गए थे, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम लोग निदेशालय गए, निदेशालय में डांट फटकार करके भगा दिया हमें, कोई हमारी सुनवाई है नहीं। ये देख लीजिए, लाखों बेरोजगार है जो टहल रहे हैं सड़कों पे, कोई सुनवाई नहीं। जहाँ जाते हैं पुलिस लाठी मारने की धमकी देती है, और वित्त मंत्री के यहाँ गए वो भी लाठी मारने की धमकी दिवाए। उसके बाद निदेशालय गए, उन्होंने भी यही जवाब दिया हमें, और 2 साल से हमारी भर्ती फंसी हुई है। आप आयोग गए थे, आयोग में जो सचिव हैं उन्होंने आपसे कहा था कि 10 तारीख से मुझे संपर्क करें, दो तीन आदमी का डेलीगेशन हमारे पास आना चाहिए, हम आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे। क्या हुआ? हम लोगों ने जो है वहाँ पे डेलीगेशन के लिए गए, डेलीगेशन लेके गए हम लोग, बाकायदे हम लोगों ने मुलाकात की उनसे सराफा से, लेकिन उन्होंने सीधे ये कह दिया कि ये हमारे बस का नहीं है, सीधे डायरेक्ट इनकार कर दिया हमारे। सचिव साहब ने कहा है कि आपका जो मामला है कोर्ट के अधीन है, और हमारे यहाँ तो रिजल्ट तैयार करके हम लोग बैठे हुए हैं, आप जो है आपके विभाग से वहाँ कोर्ट में काउंटर फाइल करवाइए और वहाँ से आर्डर कराइए, और जब आप जिस दिन आप काउंटर फाइल करा देंगे उसी दिन हम रिजल्ट आपको घोषित कर देंगे। ये माननीय सचिव लोक सेवा क्या नाम अधिन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा आयोग ने हम लोगों से वार्ता में कहा। अध्यक्ष जी से आप मिले थे जाके? अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन जो वार्ता हुई थी वो सचिव साहब से हुई थी। आप अध्यक्ष जी नहीं मिले? आप अध्यक्ष जी से? जबकि अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास नीचे से अगर आदेश आ जाएगा तो विज्ञापन हम निकाल देंगे उसका। नहीं, विज्ञापन फाइनल रिजल्ट निकालना था, लेकिन इसमें सचिव साहब ने कहा है इस संबंध में आज हम लोग जो है लखनऊ आए और पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं। कहाँ पे हैं आप? हम लोग लखनऊ में इस समय दारुल सफा में उपस्थित हैं, और हम लोग पहले वित्त मंत्री आवास गए, वहाँ माननीय वित्त मंत्री जी अपने आवास पर उपस्थित थे, लेकिन हम लोगों को मिलने से इनकार कर दिए। वहाँ से पुलिस कार्रवाई के आधार पर हम लोग वहाँ से भगाया गया। इसके बाद हम लोग माननीय निदेशालय गए, निदेशालय में ना तो निदेशक साहब आज तक हम लोग जितनी बार गए हैं, भानु प्रताप जी एक भी बार हम लोगों को उपस्थित नहीं मिले वहाँ अपने काउंटर पर, और उप निदेशक भी आज नहीं थे, और वहाँ पर हम लोगों को पीएससी के बल पर वहाँ से हम लोगों को मार करके भगा दिया गया है। और हम लोग इस उम्र में इस बेरोजगारी में यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से आ करके यहाँ दर दर सड़क पर भटक रहे हैं। दारुसभा में यहाँ किससे आप मिलने आए? मजबूर हैं, और हम लोग यहाँ दारुसभा में उत्तर प्रदेश पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष जी से मिलने के लिए आए हुए हैं कि हम लोगों की हो सकता कार्रवाई कुछ यहाँ को सुनी जाए, लेकिन वो 3 से 5 मिलने का समय है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग की मुख्य मांग क्या है कि रिजल्ट आपका निकाल? हम लोगों का मुख्य मांग है सर कि किसी भी तरीके से हमारा रिजल्ट निकलवाया जाए, जो कि 2016 से ये भर्ती फंसी हुई है। हम लोग इस विज्ञापन को लेकर के जो है मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके हैं, पूरा नौजवान फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि सपा गवर्नमेंट में भी हम लोग इसके लिए रिटर्न क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू दिए थे, फिर सरकार बदली, फिर इंटरव्यू बदला गया, फिर से इंटरव्यू आया, फिर हम लोग इंटरव्यू दिए, दो बार हम लोग इंटरव्यू दिए हैं, और उसके बाद रिजल्ट जो है कोर्ट के अधीन है, और सिर्फ मात्र एक काउंटर पर एक एफिडेविट अगर सरकार लगा दे तो हम लोगों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। लगाने सरकार कतरा रही है। Thanks for watching.